एक करीब 30 साल की उम्र की औरत थी वो, शर में उसको किसी चोट लगी पाई गई। एम लिखा हुआ है और बाजू के फ्रंट सामने की तरफ है, 3 स्टार हैं और दोनों हाथों की पुश्त पर सुरमा से ओम गुदा हुआ है। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में एक युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी किए जाने का मामला सामने। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 7 इलाके के एक पार्क के अंदर अर्धनग्न हालत में एक युवती का शव पड़ा हुआ मिला। युवती के प्राइवेट पार्ट में पाइप नुमा कोई चीज डाला हुआ बताया जा रहा है। मृतक युवती की उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है और अभी युवती की पहचान नहीं हो सकी। युवती कौन और कहां की रहने वाली है, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी। ये सेक्टर 7 गुरुद्वारे की बैक साइड में बंद गली है। शाम करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक औरत की नाश पड़ी हुई है। जो हम मौके पर पहुंचे तो नाश वहां पे एक करीब 30 साल की उम्र की औरत थी वो, शर में उसको हल्की सी चोट लगी हुई पाई गई और ऊपर उसका जो नीचे से वो नंगी थी, ऊपर से उसने सूट पहना हुआ था और उसका अभी तक पहचान हुई नहीं है। बट उसकी पहचान के लिए हमने काफ़ी टीमें लगाई हुई हैं, सारा फरीदाबाद की जो सीआईए क्राइम और चौकी जो थाने हैं उनकी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही हम इसकी आइडेंटिफाइड करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। बोलिए से इसके राइट हैंड पे बाजू पे RM लिखा हुआ है और बाजू के फ्रंट सामने की तरफ है, 3 स्टार हैं और दोनों हाथों की पुश्त पर सुरमा से ओम गुदा हुआ है और कानों में और नाक में आर्टिफिशियल बाली वगैरह। कोर्ट के बाद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। धारा 302-376 की हमने ऑलरेडी लगा दी है। हो सकता है कि इसके साथ कोई इस तरह की कोई बात हुई हो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दिखाई दे रही है तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित एक पार्क की है जहां पर पुलिस ने करीब 32 वर्षीय अज्ञात युवती के शव को बरामद किया है। अगर पुलिस की माने तो पुलिस को पार्क के अंदर एक युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक लाश 2-3 दिन पुरानी है। मृतक युवती के दोनों हाथों में ओम लिखा है जबकि एक हाथ में RM लिखा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल युवती की डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मामले की संगीनता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमें बनाई गई। पुलिस के मुताबिक मृतका ने सूट पहना हुआ है और जबकि उसके निचले वस्त्र गायब थे और मृतका के सर पर चोट के निशान थे जहां पर खून बहकर सूख चुका था। जब पुलिस से महिला के प्राइवेट पार्ट में पाइप डाले जाने के बारे में पूछा गया तो पुलिस ने गोलमोल जवाब दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जल्द ही आरोपियों को इनकी पहचान कर गिरफ्तार करने का दावा कर रही है लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस के हाथ आरोपियों की गिरेबान तक कब तक पहुंच पाते। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।